किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। मुझे कैसे मत करना। क्या सपनों में भी ये सब सोचती है? फिर भी मुझको अजीब है ये भी। सो जाओ, गुड नाइट। शुगा, आज तो मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। मुझे भी जिमिन तुम्हारे साथ बहुत मजा आया आज। मुझे तो ये बात सोच के अभी भी हंसी आ रही कि तुम्हें राइड से डर लगता है। ऐसा नहीं है, हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। मुझे भी लगता है। अब इसमें हंसने वाली बात क्या, डर लगता है तो लगता है। चलो बहुत रात हो गई, अब घर चलते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा है कहीं तुम गुम ना जाओ। छोटी बच्ची हो ना। अच्छा। शुगा भागकर उस ओल्ड लेडी के पास जाता है जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है। आप इसे रोड क्यों क्रॉस कर रही थी? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आपका? आइए मैं आपको करवाता हूँ। थैंक यू बेटा, वो मुझे दिखाई नहीं देता ढंग से। मैं रोड क्रॉस कर लिया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू बेटा। क्या तुम दोनों साथ हो? तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, हमेशा साथ रहना। मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया उन्होंने क्या कहा? नहीं, पर मैं इतना जरूर समझ गई हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो। तुमने उन आंटी की जान बचा के और उन्हें रोड क्रॉस करवा के बहुत अच्छा काम किया, ये उसके लिए। ये तुमने क्या किया? शुगा, तुम भी ना, चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी बहुत लेट हो गया है, चले अब? हाँ, चलो। फिर शुगा जिमिन को उसके घर तक छोड़ता है। थैंक यू सो मच मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए। और अब तुम भी अपने घर जाओ और ध्यान से जाना, ओके? हाँ, मैं ध्यान से जाऊंगा। तुम भी क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, बाय। इतना कहकर जिमिन अपने घर के अंदर चली जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने मुझे किस किया तो मुझे बहुत अलग सा फील हो रहा है। मुझे एक और चाहिए। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि दूसरी बार करने पे भी मुझे कैसे फील होता है। इतना कहकर शुगा डोर नॉक करता है। शुगा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? आंटी, वो एक्चुअली मुझे जिमिन से मिलना है। जिमिन से? पर तुम दोनों तो अभी तो मिले थे। वो मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है तो जिमिन के नोट्स चाहिए। ओके, तुम ऊपर चले जाओ जिमिन अपने रूम में। फिर शुगा वहाँ से जिमिन के रूम में जाता है। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार। वो मैं तुम्हें देखने आया था। मैं अपने कपड़े सारे उतार देती तो क्या तब भी तुम मुझे ऐसे खड़े होकर देखते? मेरा मतलब कि नहीं, वो मैं तो बस तुमसे कुछ चाहिए था मुझे। क्या? क्या तुम मुझे एक बार और किस कर सकती हो? शुगा, पागल हो गए तुम? हाँ कर दो ना, तुम्हारा करने में क्या जा रहा है? शुगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, प्लीज जाओ यहाँ से। वो तुमने अच्छा काम किया था इसी ने था बस। हाँ तो मैंने उनकी दो बार मदद की थी। पहले उन्हें रोड क्रॉस करवाया था और उनको कार से टक्कर होने से बचाया था। तो की ना मैंने दो बार मदद, तो दो बार मुझे मिलना चाहिए। एक मिल चुका है, एक दो। शुगा, देखो मुझे मेरे घर भी जाना है, लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी दो, इतना भाव भी मत खाओ। चलो अब दो इधर। ओके, अब तुम्हें मिल गया ना, अब जाओ तुम यहाँ से। हाँ मैं चलता हूँ। ये शुगा भी ना, कभी कभार ही मुझे समझ में ही नहीं आता।
जिन सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें पता है मेरे कान में दर्द हो गया? अरे वो मैं वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं अभी आती हूँ। हाँ जिन तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? हाँ फिर आरएम जिन को वॉशरूम लेकर जाता है। जिन आओ इधर बैठो। जिन क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने फिर से कुछ उल्टा सीधा खाया? ये लो इससे मुंह साफ कर लो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिन, तुम्हें क्या हो गया? और तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तुम ये जल्दी नहीं कर सकती? मैं ऐसे ही कह रहा था, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना ले लो। अरे मैं अपनी बकवास बंद ही करो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। जिन तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, ओके? उससे तुम्हें शायद थोड़ी राहत मिले। नहीं आरएम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आरएम, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, प्लीज चलो। ओके ओके चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर आरएम वहां से जिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। जंकुक उठ जाओ प्लीज, सुबह हो गई है। मुझे पता है सुबह हो गई है, तो उठते क्यों नहीं हूँ? उठ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वी तुम्हें नींद आ रही है और हमारे बेबी को भी सोने दो, आओ मेरे पास आओ और सो जाओ, हम दोनों साथ में सोते हैं। रात से अभी तक साथ में सो रहे थे, अब उठ भी जाओ। वो तो तुम सो रही थी, अब हमारे बेबी की बारी है। जंकुक बेबी का नाम लेकर मुझे सुलाने की कोशिश मत करो और तुम भी उठ जाओ। नहीं तुम नहीं उठ रही। जंकुक नहीं, तुम मेरे साथ कुछ देर और रुको, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ और बेबी के साथ सोना है। इसे कहते हैं लाइफ, अपनी बीवी और बच्चे के साथ चैन से जीना। वी हम अपनी बेबी को हम दोनों के बीच में सुलाएंगे ताकि वो हमेशा सिक्योर रहे। ओ जंकुक आई लव यू टू। भैया भाभी। मैं डर गई जंकुक, ये कौन था? सुगा था क्या? ये सुगा की तो इसे मैं बताता हूँ। फिर वी और जंकुक नीचे हॉल में जाते हैं जहाँ सुगा होता है। तुम हॉल में खड़े होकर इतने तेज चिल्ला रहे हो, क्या है सुगा? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरे बच्चे डर गए। क्यों चिल्ला रहे थे इतने तेज? हाँ अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं देखना तुम्हें क्या करता। एक महीने के लिए तुम्हारा खाना पानी बंद कर देता मैं। ओ कमान जंकुक क्या बोले जा रहे हो? चुप करो, मैं और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, चुप करो अब। बीवी तो ठीक है पर बच्चा नहीं देना मुझे। बेवकूफ गधे कहीं के, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। मैं और वी मम्मी पापा बनने वाले हैं और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और तुम चाचू बनने वाले हो। इसीलिए कह रहा था मुँह में ताला लगा के रखो। क्या कहा आपने? भाभी प्रेग्नेंट है? क्या सच में? मैं चाचू बनने वाला हूँ, मुझसे भी छोटा है घर पे, क्या सच में भाभी? ये तो काफी खुशी की बात है, तो मुझे ये कॉलेज जाके जीविन को बतानी चाहिए। मैं चलता हूँ, बाय। आखिर इसने हमें बुलाया क्यों था? बाय द वे मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम भी जाके रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज तुम और मैं कहीं नहीं जाएंगे, आज हम दोनों जाएंगे शॉपिंग पर। नहीं जंकू मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहुत काम है। वी मैंने कहा ना तुम आज कहीं नहीं जा रही, तुम और बेबी आज मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। आज हम तीनों मिलके अपने बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए। चलो ना वी हम दोनों चलकर बहुत सारी शॉपिंग करते अपने बेबी के लिए, उसके लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे, प्लीज। ठीक है चलो चलते हैं। हाँ तुम मान गए, थैंक यू। जंकुक तुम बेबी से बहुत प्यार करते हो ना? प्यार बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं अपनी बेबी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ, उसका हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ, उसे चलाना चाहता हूँ, अपने साथ उसे खेलते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बेबी को लेकर बहुत खुश हूँ। मैं उस दिन का वेट करूंगा जब वो अपने मुँह से मुझे पापा कहेगा। ओ बेबी आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जल्दी आ जाओ ओके। थोड़ी देर बाद वी और जंकुक रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। हाँ जंकुक प्लीज थोड़ा फास्ट ड्राइव करो। नहीं वी हमारे साथ हमारा बेबी है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता तुम दोनों के साथ। मैं जैसे ड्राइव कर रहा हूँ मुझे करने दो।
नो, ओह अब तो मुझे कार और सावधानी से चलानी होगी। वी अपनी सीट बेल्ट लगा लो ताकि तुम्हें टक्कर न लग सके। ओह नो जंकू, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी केयर और हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही तुम्हें, इसलिए मैं इतना संभल कर ड्राइव कर रहा हूँ। जंकू थोड़ा फास्ट ड्राइव करो, ऐसे तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। वी मुझे फोकस करने दो, चुप रहो। जंकू ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज चलो जल्दी, देखो पीछे सारे वेट कर रहे हैं, मजाक उड़ाएंगे हमारा। जिसे जो कहना कहने दो, तुम और बेबी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। कतई कहीं के हॉर्न बजाना बंद करो, मेरी बीवी और मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा बच्चा तुम्हारे हॉर्न से डर रहा है। ओ जंकू क्या करूं मैं तुम्हारा, अच्छा बस बहुत हो गया, हटो मैं ड्राइव करूंगी अब। नहीं वी, तुम्हारे इस हालत में ड्राइव करना ठीक नहीं है, तुम शांति से बस बैठी रहो। तुम्हारी ड्राइविंग देखकर मुझे यही लगता है कि आज हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं वी हम पहुंच जाएंगे, देखो बस एक घंटा और, बस एक घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम्हारी ड्राइविंग देखकर मुझे नहीं लगता कि हम आज पहुंच पाएंगे। मैं जानती हूं जंकू कि तुम्हें बेबी की बहुत ज्यादा केयर है, तो तुम क्या चाहती हो मैं अपनी बेबी की केयर ना करूं, तुम्हारी केयर ना करूं? जंकू मैंने ऐसा कब कहा? वी मैं तुम्हारी और बेबी की केयर करना नहीं भूल सकता, तुम्हें पता है ना। बस अब फास्ट ड्राइव करना। ठीक है मैं तुम्हारे कहने पे थोड़ा फास्ट ड्राइव करूंगा। इतनी स्पीड तो ठीक है ना, अब मैं इससे ज्यादा फास्ट नहीं करूंगा। क्या करूं मैं तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता, मैं इससे ज्यादा फास्ट नहीं चलाने वाला, तुम चाहे जितना कहो। प्लीज जंकू अब तेज चला लो, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वी, थोड़ा शांत हो जाओ, हमारे बेबी पे असर पड़ेगा। जस्ट चिल डार्लिंग, हम पहुंचने वाले बस। इस आदमी को कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे डर लग रहा है, मुझे सुबह सुबह क्या हो गया था? ओह जिन फिकर मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें, पक्का तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ कि कुछ भी उल्टा सीधा खा लूंगी? ऐसा हो सकता है? ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स आई हैं। आप ये खुद पढ़ेंगे या फिर मैं बताऊँ? आप ही बता दीजिए, आप बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आखिर इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? जिन बताओ क्या तुम ठीक हो? हाँ आखिर इन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या लिखा है, बोलो भी जिन, तुम बोलती क्यों नहीं कुछ, आप ही बताइए डॉक्टर। मिस्टर आरएम, शी इज प्रेग्नेंट, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ क्या आपने क्या कहा? यही कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ओह मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये तो अच्छी बात है। आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस। ओह हाँ थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जिन तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं कुछ बोलती हो? बोलो जिन क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जिन तुम्हें क्या हो गया, क्या बोल रही हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या आप खुश नहीं हो? अरे नहीं डॉक्टर, वो खुश है, वो अपनी खुशी ऐसे ही जाया करती है। ओके आप दोनों जा सकते हैं, मैं भी आता हूँ। हेलो जिन इतना मत चिल्लाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और हमारा बेबी, तुम खुश नहीं हो क्या? खुश? मैं खुश? मुझे बेबी नहीं चाहिए, तुम अपना बेबी अपने पास रखो, ये क्या है? जिन ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, हम घर चले जाएंगे तब बात करेंगे, चलो अब। फिर आरएम और जिन अपनी कार में बैठ गए। आरएम ये तुमने क्या कर दिया, आरएम ये क्या कर दिया? जिन तुम्हें बेबी नहीं चाहिए क्या, ऐसा क्यों बोल रही हो? आरएम मैं अपनी यूंजी का प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती, मैं अपनी यूंजी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए था, वो यूंजी, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। जिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यूंजी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी पहली बेटी है। ये सब कहने की बात होती है, जब अपना बच्चा आता है ना तो सब भूल जाते हैं दूसरे को। जिन वो दूसरी नहीं है, तुम अपना मुंह संभाल के बात किया करो। तुम अपना मुंह बंद करो, मैं अपनी बेटी का प्यार किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। हाँ अभी तुम गुस्से में हो, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। फिर आरएम और जिन वहाँ से अपने घर जाते हैं। आप दोनों कहाँ आते हैं सुबह से? मुझे नहीं पता, अपने भाई से पूछ लो। भाई भाभी और आप कहाँ आते सुबह से? हाँ आयु वो हम दोनों हॉस्पिटल गए थे, सुबह जिनकी तबीयत खराब थी इसीलिए। क्या तो भाभी ठीक है क्या? भाई हाँ भाभी को क्या हुआ था? आयु तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। ओके आप भाभी की केयर करो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। फिर आयु वहाँ से चली जाती है। मेरी वाइफ को अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़े दिखाओ जो कि उसे एक बार में पसंद आ जाए। ये आपकी वाइफ है जंकू, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें मैं कंफर्टेबल रह सकूं। आपको जैसे कपड़े चाहिए मैं आपको वैसे ही कपड़े दिखाऊंगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ और आगे चल के मेरा टमी और बड़ा होगा, तो क्या आप मुझे ऐसे ड्रेस दिखा सकते हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल रह सकूं? क्यों नहीं मैम, क्या मैं आपकी वेस्ट का मेजरमेंट ले सकता हूँ? मेजरमेंट पर क्यों, तुम ऐसे कपड़े दिखा चुके आपसे।
उसके बिना मैं आपको सही कपड़े कैसे दिखाऊंगा? आप ले सकते हो मेजरमेंट। जंगकुक पीना नहीं भी, मेरा लगा तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता है। ओ कम ऑन जंगकुक, शांति हो जाओ। ठीक है, पर दूर से लेना। पता नहीं इस लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया। हो गया क्या? अब उसकी वेस्टेज से हाथ हटाओ। सर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बस होने वाला है। मैम आपकी कमर तो बहुत पतली है। बॉम्बास्टिक साइड आई। आपकी कमर की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड आई। वैसे मुझसे ज्यादा तो मेरी वेस्ट के बारे में जंकू को पता है। बस बहुत हो गया, तुम्हारे जितने इरादे ना सारे इरादे में समझ रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैं तो बस मेजर कर रहा था। बस बहुत हो गया, अपना नाटक बंद करो। बेबी प्लीज शांत हो जाओ। मैम मुझे लगता है आपके हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया है, आप इन्हें समझाओ। मैं समझू? तुम कौन हो तो मुझे ये बताने वाले? हाँ अपनी लिमिट में रहकर बात करो। जंको ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज उसे छोड़ दो। वेस्ट में वेस्ट नापने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारा स्टमक बाद में बड़ा होना था तो इसने वेस्ट की नापी तुम्हारे टच करने के लिए। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ क्या किया तुमने? अब अपने स्टाफ को समझा लो वरना मैं इन्हें जान से मार डालूंगा। सर इनसे क्या कोई गलती हुई है? मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। सॉरी सर। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। यू आर फायर। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वी चलो यहाँ से, हमें कोई शॉपिंग नहीं करनी यहाँ से। हाँ हाँ जंको चलो हम चलते हैं। वी मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी जब उसने तुम्हें और मेरे बेबी को टच किया। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता ना मैं तो पक्का उसे मार डालता। हंसो मत वी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वहाँ से चले आओ। ओके सर मैं आ रहा हूँ। जंको क्या हुआ? चलो वापस चलते हैं। वी तुमने वहाँ देखा कोई था? नहीं जंको कोई नहीं था वहाँ पर, प्लीज घर चलो। ओके चलो घर चलते हैं। जंकुक वैसे ड्राइव मत करना जैसे ड्राइव कर रहे थे, ठीक है? अब तुम्हें अच्छा लगे या फिर बुरा? मैं तो ऐसे ही ड्राइव करने वाला हूँ। नहीं फिर से नहीं जंकुक। हनी उछलना बंद करो।